वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने फिल्म देख रखी है। और इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कि फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर आई बटन पर आपको इसका मूवी रिव्यू का लिंक भी मिल जाएगा, तो जाइए और जाकर उसको भी इंजॉय कर लीजिएगा और अपने डाउट्स भी क्लियर कर लीजिएगा। तो अब आते हैं यहाँ पर कहानी पे और सब कुछ जड़ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस फिल्म में हमको देखने को मिला क्या। तो देखिए, सोफिया ब्राउन जो कि एक बहुत बड़ी लेखक थी और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी थी लोगों के बीच में, लेकिन उसने हाल ही में एक ऐसी किताब लिख दी थी और एंड इस तरीके से कर दिया था कहानी को, जिस वजह से उसके फैंस बहुत ही ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में आ गए थे। तो उस वजह से उसकी जो मैनेजर है उसने उसको सजेस्ट किया कि कोई बढ़िया सी अच्छी सी कहानी लिख दो ताकि जो लोग हैं लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो जाए और तुम वापस से भी लाइमलाइट में आ जाओ। अब उसको कोई सूझ नहीं रहा था क्योंकि जब वो एक न्यूज़ चैनल पर क्या करने के लिए इंटरव्यू के लिए जब वो जाती है तो वहाँ पर जाकर वो कुछ ऐसी बहसबाजी कर लेती है क्योंकि उसको सवाल ही ऐसे पूछे गए थे और ऊपर से हाल ही में उसका डिवोर्स भी हो गया था और उसकी बेटी भी उससे खुद से दूर थी, तो उस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और थोड़ी सी गुस्से में चिड़ी हुई थी। तो मतलब ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ लगातार अचानक से हो जाए तो एक इंसान थोड़ा सा चिढ़ जाता है और परेशान हो भी जाता है, तो वो भी थी। खैर, उसने किसी तरीके से खुद को संभाला और उसके बाद उसने सोचा कि चलो एक वेकेशन पर निकल जाते हैं ताकि दिमाग थोड़ा सा ठंडा हो जाए और हमें क्रिएटिव आइडियाज़ आ जाएँ, जिसके बाद वो डंडन बार जाने का प्लानिंग बनाती है। ये डंडन बार वही जगह है कि जहाँ पर उसके दादाजी या नाना जी कभी काम किया करते थे और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं उसके दादाजी या नाना जी की। तो उस वजह से, क्योंकि उसके दादाजी उसको बार बार वहाँ की यानी कि डंडन बार की कहानियाँ सुनाया करते थे कि कैसे वहाँ पर जाकर उन्होंने एक दरवाजे पर अपना नाम भी लिख दिया था और कैसे वहाँ की जगह कितनी खूबसूरत थी, वहाँ कैसे वो वक्त बिताया करते थे, तो उस वजह से उसका मन हुआ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और अपना वेकेशन वहीं पर मनाना चाहिए। और एक तरीके से जब उसके दादाजी ने उसको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई थी तो उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी वहाँ जाकर अपना वेकेशन मनाने के लिए, जिसके बाद वो वहाँ पर चली तो जाती है पर वहाँ पर उसको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, जिसके बाद वो डंडन बार के कैसल में जाकर ठहरती है। वहाँ पर रहने के बाद उसको वहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर जो एक आदमी है जिसका नाम होता है माइल्स, वो एक तरीके से वहाँ का राजकुमार है उस जगह का, जो कि अब उस टूटी फूटी जगह को फिलहाल किसी भी तरीके से बचाने और संभालने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर इसको एक आइडिया सोचता है सोफी को कि क्यों ना मैं इस जगह को खरीद लूँ और एक तरीके से इस जगह की मालिक बन जाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शख्स यानी कि ये जो राजकुमार है या जो भी है माइल्स, ये तो इसको बेचने ही वाला है, तो क्यों ना मैं खरीद लूँ। जिसके बाद वो इसको खरीद लेता है और माइल्स को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि कहीं ना कहीं उसको ये बात समझ में आती है कि सोफी यहाँ पर ज़्यादा दिन तो टिकने वाली है नहीं, तो ये जगह छोड़कर तो जाएगी और एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मतलब अगर वो 30 दिन से ज़्यादा रुकती है तो ये कैसल उसका, और अगर नहीं रुकती है तो माइल्स को लोन भरने का भी वक्त मिल जाएगा जो कि वो भर रहा है अपने जो भी पास्ट की वजह से या फिर अपने पूर्वजों के कर्जे को चुकाते चुकाते, वैसे ही उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक और बहुत ही ज़्यादा पतली भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस जो भी उसको पैसे मिल रहे हैं सोफिया से कम उससे वो लोन तो चुका पाएगा 30 दिनों का और कम से कम उसको एक मौका तो मिल जाएगा अपने कैसल को बचाने का और जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। लेकिन वो 30 दिन से भी ज़्यादा रुक जाती है और इसी दौरान ये माइल्स जो कि उसको एक खुसट और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ इंसान लगता था, धीरे धीरे उसको उससे प्यार होने लगता है क्योंकि लोगों से जब वो सुनता है कि ये बहुत अच्छा आदमी है और एक तरीके से ये जो कैसल है या फिर कैसल के आसपास के लोग हैं यानी कि डंडन बार के लोग, उनको संभालने का या फिर आसपास की जो जगह है ये इनकी खुद की जगह नहीं है बल्कि माइल्स ने जो डंडन बार का राजकुमार है और उस कैसल का मालिक, हालांकि फिलहाल अभी सोफिया मालिक है, तो ये उसी की ही देन है। यहाँ पर जितने भी सारे लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उनका कर्जा या फिर ये जो जगह है वो ऐसे नहीं दी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर भी बन गया था सोफिया के मन में माइल्स को लेकर, जिसके बाद वो दोनों से थोड़ा थोड़ा करीब आने लगते हैं क्रिसमस आते तक, और जिसके बाद उनके अंदर एक फिजिकल नीड भी जागने लगती है क्योंकि जैसा कि सोफिया का डिवोर्स हो चुका था तो एक तरीके से ये सही तो था ही, जिसके बाद वो दोनों फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन फिर
अचानक उसके दूसरे दिन यहाँ पर माइल्स को माता चढ़ जाती है और पता नहीं है वो फिर से बकबक करने लगता है कि ये कैसल तो मुझसे छीन लोगी, ये वो दुनिया भर की बात है, यानी कि एक तरीके से उसके होश ठिकाने आ जाते हैं, समझ रहे हो। फिजिकल रिलेशनशिप बनाकर पता नहीं यहाँ पर लोगों के होश ठिकाने आ जाते हैं, पर पता नहीं इसके आगे सबके तो नहीं आते। तो यहाँ पर वो बहुत बहस करता है, बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, जिसके बाद सोफी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और गुस्से में वो उस जगह को छोड़कर जाने का प्लान बनाती है। और वो माइल्स को ये बात बोलती भी है कि ये जगह तुम्हारी है, तुम्हें रखो, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे पास वैसे भी बहुत कुछ है और मुझे तुम्हारी इस भीख की ज़रूरत भी नहीं है। जिसके बाद वो रोना धोना चलता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश तो करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माइल्स को प्यार करने लगी थी, उसके साथ वो खुश थी, लेकिन माइल्स की इस हरकत से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और नाराज़ हो चुकी थी। पर टंडम बार के लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सोफिया यहाँ से चली जाए, जिसके बाद वो प्लानिंग बनाते हैं जिसके तहत सोफी को वो यहाँ से जाने नहीं जाते, जाने नहीं देते हैं। और यहाँ पर जब माइल्स रात की प्लानिंग कर रहा होता है क्रिसमस की, उसी वक्त थॉमस जो एक तरीके से उसका दोस्त और नौकर भी होता है वो उसको समझाता है, जिसके बाद माइल्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस से जाता है किसके पास, सोफी के पास, और उसको बढ़िया से समझाता है और उसको अच्छा सरप्राइज भी देता है, जिसके बाद दोनों के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा सही हो जाते हैं। और उसकी बेटी जो कि अपने एक्चुअल डैड की शादी में जाने वाली थी वो यहाँ पर माइल्स के कहने पर आ जाती है और सब खुशी खुशी अपनी लाइफ को आगे इंजॉय करते हैं। तो बस यही थी इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म में ज़्यादा कुछ तो नहीं था। तो मुझे उम्मीद है कि सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे इस फिल्म से रिलेटेड। बाकी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है कि नहीं। और मेरी एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आ रही हो तो ही करना, वरना मत करना, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं। बस इतना ही था, जोहार। और हाँ, अगर कुछ छूट गया हो तो मतलब गुस्सा मत होना, कुछ कुछ छूट भी जाता है, क्या करें, सब कुछ कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। जोहार।